फेयर का उद्घाटन राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने किया। आज से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलने वाले मेले का उद्घाटन राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, वरिष्ठ उद्यमी पूरन डाबर, साउथ इंडिया गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग सिंगला, लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष राकेश गर, एमएसआई के निदेशक टीआर शर्मा, त्रिमूर्ति टीन वर्क के चेयरमैन आशुतोष भाटिया, रावी इवेंट के प्रबंधक निदेशक मनीष अग्रवाल ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित की। आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल और सचिव अशोक माहेश्वरी ने बताया कि मेले में दुबई, दिल्ली, बेंगलोर, लुधियाना, इंदौर, कानपुर की 80 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं। सर्दी, सहालग, दिवाली, वेडिंग कलेक्शन लगभग 125 स्टॉल मेले में लगे हैं। उद्योगियों का सीधा संवाद देगा लाभ। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन से मैन्युफैक्चरर और व्यापारियों के बीच सीधे संवाद उद्योग को बढ़ाने में नई दिशा देंगे। गृह प्रदूषणकारी उद्योग को बढ़ावा, वस्त्र उद्योग से शहर बढ़ रहा है, उद्यमियों के लिए अच्छे संकेत है। मुख्य वक्ता अनुराग सिंगला ने कहा कि पिछले कुछ सालों से वस्त्र उद्योग शहर में तेजी पकड़ रहा है, इतनी बड़ी प्रदर्शनी शहर के उद्योग को नई दिशा देगी। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। रेडीमेड गारमेंट संगठन की है आज प्रदर्शनी प्रारंभ होगी, जो लगातार 12 दिन तक चलेगी। और ये अवसर बहुत लंबे समय के बाद, वर्षों के बाद रेडीमेड गारमेंट की प्रदर्शनी यहाँ लगने की शुरुआत पिछले वर्षों में हुई है। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स दोनों एक छत के नीचे आकर अपने मनपसंद की चीज़ों को खरीद सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। और शीतकालीन जो वस्त्र हैं उनके लिए भी ये शुरुआत होगी और आगरा को लाभ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के, आगरा के नज़दीक जो ज़िले हैं, वो वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ आकर ख़रीदारी कर सकते हैं। उनको एक बड़ा अवसर आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन ने दिया है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन से प्रेसिडेंट, और इस फेयर का ये तीसरा संस्करण है हम लोगों का और तीसरी बार हम लोग ये फेयर लगाने जा रहे हैं। और ऐसी हमारी मतलब कामना है कि जैसी हमारी जो फेयर सक्सेस गई है, ये तीसरी फेयर भी हम लोग सक्सेस करेंगे और कराएंगे। क्या खास है इसमें? इस बार काफ़ी ड्रेस मटेरियल काफ़ी चेंज है, जैसे इंडो वेस्टर्न शेरवानी के अंदर एक अपना शीशे वर्क का नया काम आया है, जो इस बार इंडिया में बहुत पॉपुलरिटी के साथ जाने वाला है, बहुत अच्छा वर्क आया है। और कैजुअल वेयर के अंदर भी काफ़ी वेराइटी हम लोगों ने चेंज की है इसमें, देश भर के मैन्युफैक्चर। मोती निटिंग वर्क से आशुतोष भाटिया, हमारा ब्रांड नेम है LVR, और मैं लुधियाना अपनी फैक्ट्री की तरफ से अशोक जी को और के गरिमा मार्केटिंग एजेंसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बहुत अच्छे जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैं पिछले समय लोग 7-8 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हमने जो है जब शुरू किया था तो एक छोटी सी धर्मशाला से शुरू किया था, और आज हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम लोग हॉलीडे इन जैसी जगह के ऊपर बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें पूरा यूपी से पूरा का पूरा कस्टमर को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सारों के सारे मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है, सिंगला, साउथ इंडिया गारमेंट एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर होलसेलर एसोसिएशन, बैंगलोर। देखिए जी, हम लोग बैंगलोर से हैं और बैंगलोर के अंदर ये कल्चर बहुत पुराना चला आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आगरे का मार्केट मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ प्रोडक्ट देखे हैं, मतलब इट्स रियली सरप्राइजिंग। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर अगले 3-4 साल के अंदर ये सेंटर बन जाए पूरा आगरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट दे आर डूइंग, एंड स्पेशली संजीव जी ने, अशोक जी ने जो ये गारमेंट फेयर अरेंज की है, इट्स एट पार स्टैंडर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छे स्केल पे करिए, बधाई है इनको इतने अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बहुत आगे तक जाएगा। बहुत उम्मीद है इस बार गारमेंट्स का। आगरा की बात की जाए, आगरा में अन्य उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में वस्त्र उद्योग या ये रेडीमेड गारमेंट्स का उद्योग एक संजीवनी साबित हो रहा है ऐसे उद्योगों में। देखिए, परिधान और पोशाक जीवन का एक अनिवार्य अंग है, और जब पोशाक और पहनाव और भेष और भूषा में नई तकनीकी प्रवेश करती है और वह विश्व स्तर पर तकनीकी को साथ लेकर के नए नए प्रभाव को
और विश्व स्तर के बदलाव को स्वीकार करते हुए डिज़ाइन तैयार करके अपने को पेश करता है तो मार्केटिंग बढ़ती है, आय के साधन बढ़ते हैं, निर्यात बढ़ता है, देश संपन्न होता है और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते खुलते हैं। जहाँ तक भारतवर्ष का बात है और उत्तर प्रदेश की बात है, आर्थिक स्थिति और निर्यात पहले से अधिक बढ़ी है, विदेशी पूंजी खजाने में बढ़ी है, आगरा को भी गारमेंट हब बनाने का खाका पूरा तरीके से खींच लिया गया है, बना लिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगरा गारमेंट क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शक्ल और सूरत, विशालता के साथ साथ सुविधाओं के साथ साथ विश्वास भी पैदा करेगा और विख्यात भी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, उसको रेखांकित कर लिया गया है, शक्ल और सूरत बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। गाजीपुर में